नमस्कार। अब तक हमने संतत यादृच्छिक चरों के संयुक्त प्रायिकता को देखा एवं समझा था, किंतु जिस प्रकार हमारे लिए संतत यादृच्छिक चर आवश्यक हैं, उसी प्रकार असंतत यादृच्छिक चरों की चर्चा भी आवश्यक है। इसी क्रम में अब हम असंतत यादृच्छिक चरों की संयुक्त प्रायिकता को देखेंगे। यदि हमारे पास दो असंतत यादृच्छिक चर x एवं y हैं, तब हम उनका संयुक्त द्रव्यमान फलन अथवा PMF इस प्रकार लिख सकते हैं, पी एक्स वाई एक्स आई वाई जे बराबर है प्रायिकता x बराबर एक्स आई वाई बराबर वाई जे। यह संयुक्त प्रायिकता द्रव्यमान फलन है। प्रायिकता द्रव्यमान फलनों की अथवा संयुक्त प्रायिकता की हमारी चर्चा से हम जानते हैं कि प्रायिकता x बराबर एक्स आई अर्थात x का सीमांत प्रायिकता द्रव्यमान फलन जे, सभी जे के ऊपर जोड़, यह होगा, एवं प्रायिकता वाई वाई जे सभी आई पर जोड़, यह होगा। इसी क्रम में हम देख सकते हैं आई जे एक, यह हमने प्रायिकता द्रव्यमान फलन को दो असंतत यादृच्छिक चरों के लिए परिभाषित कर दिया। अब हमने दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में संतत यादृच्छिक चरों को देखा एवं असंतत यादृच्छिक चरों को देखा। अब हमारे पास ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि दो यादृच्छिक चरों में एक संतत हो एवं एक असंतत, तब हम क्या करेंगे? यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर हैं तो हम किस प्रकार, यदि वे संतत हैं तो हम उनका संयुक्त घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं, यदि वे असंतत हैं तो किस प्रकार हम उनका संयुक्त द्रव्यमान फलन ज्ञात कर सकते हैं। किंतु तब क्या होगा जब दो यादृच्छिक चरों में एक संतत एवं एक असंतत हो? स्पष्ट रूप से हम इनका संयुक्त बंटन फलन, संयुक्त बंटन फलन तो हम साधारण रूप से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम मान लें, इस चर्चा के लिए हम मान लें कि x संतत x एक संतत यादृच्छिक चर है एवं y एक असंतत यादृच्छिक चर है, तब स्पष्ट रूप से हम को
इस रूप में लिख सकते हैं। जब तक x और y स्वतंत्र नहीं है, हम इसे किसी जोड़ अथवा किसी समाकलन के रूप में नहीं लिख सकते, हम केवल इसे इस प्रायिकता के रूप में लिख सकते हैं। किंतु सरलता के लिए हमें लिए एवं बंटन फलन को ज्ञात करने के लिए हमें संतत एवं असंतत यादृच्छिक चरों के इस संयुक्त रूप को किसी प्रकार तो भाषित करना होगा, किसी प्रकार तो हमें परिभाषित करना ही होगा। तो वह क्या होगा? पहला चुनाव हम करते हैं इनका संयुक्त प्रायिकता द्रव्यमान, संयुक्त प्रायिकता द्रव्यमान फलन। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? प्रश्न यही है। उत्तर स्पष्ट है, नहीं। हम इनका संयुक्त प्रायिकता द्रव्यमान फलन नहीं लिख सकते। कारण, संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में सभी की घटनाओं की प्रायिकता एवं एकल एक एक नहीं एकल सभी एकल घटनाओं की प्रायिकता एवं उनका प्रायिकता फलस्वरूप उनका प्रायिकता फलस्वरूप शून्य होंगे, उनकी प्रायिकता एवं फलस्वरूप उनका प्रायिकता द्रव्यमान शून्य होंगे। यह देखना सरल है, इसलिए यहाँ पर एकल घटनाओं की प्रायिकता एवं फलस्वरूप उनका प्रायिकता द्रव्यमान शून्य होंगे, हम इनका संयुक्त प्रायिकता द्रव्यमान फलन नहीं ज्ञात कर सकते। अब हमारे पास दूसरा विकल्प है कि क्या हम इनका संयुक्त घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम इनका संयुक्त घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, हम इनका संयुक्त घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न है किस प्रकार हम इनका संयुक्त घनत्व फलन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? उसका उत्तर हम अब देंगे। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि किस प्रकार हम एक असंतत यादृच्छिक चर का प्रायिकता घनत्व फलन किस प्रकार हम एक असंतत यादृच्छिक चर का प्रायिकता घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यदि हमारे पास एक असंतत यादृच्छिक चर y है जिसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन PMF PYYI द्वारा दिया जाता है जहाँ
वाई आई वे सब मान हैं जो वाई धारण कर सकता है। तब एफ वाई जोड़ आई वी, यहाँ वी यह इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि जहाँ बी वाई द्वारा धारण किए जा सकने वाले मानों का एक गणनीय समुच्चय है। सरल है यह। अब प्रश्न यह है कि इसे हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं, हम यह जानते हैं एफ वाई 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 के किसी भी मान के लिए एक मान धारण करेगा जहां पी वाई वाई प्रायिकता द्रव्यमान फलन यह केवल धारण करता है किंतु एफ वाई वाई किसी भी वाई के लिए मान धारण कर सकता है। यह हमारे लिए सबसे आवश्यक बात है, यह समझना कि यह है एफ वाई वाई एक प्रकार से संतत वाई के लिए मान धारण कर सकता है। एफ वाई वाई निश्चित रूप से केवल दाहिनी ओर से ही संतत है, वह हम जानते हैं, किंतु एफ वाई वाई किसी भी संतत वाई के लिए मान धारण कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हम एफ वाई वाई को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, एफ वाई वाई बराबर है जोड़ वी बी में पी वाई वी यू वाई माइनस वी वाई घटा वी। यह हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जहां यू एकक चरण फलन, अंग्रेजी में यूनिट स्टेप फंक्शन। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम एकक चरण फलन को दोबारा परिभाषित कर देते हैं। एकक चरण फलन अथवा यूनिट स्टेप फंक्शन इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यूटी बराबर है शून्य टी शून्य से कम एवं एक टी शून्य से अधिक, अर्थात इस प्रकार यहां पर एक शून्य है, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। यह एक एकक चरण फलन है। अब एकक चरण फलन के अन्य गुणधर्मों को देखते हुए, यह एकक चरण फलन के गुणधर्म मुझे विश्वास है आपने संकेतों एवं प्रणालियों के अपने कोर्स में किए होंगे। एकक चरण यूनिट स्टेप के अथवा एकक चरण के गुणधर्मों को देखते हुए हम जानते हैं कि अवकलन ut बराबर है डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी
डिराक डेल्टा फलन अथवा उत्तेजना अथवा इंपल्स फलन कहलाता है। यह प्रोत्तेजना फलन डेल्टा टी इन दो गुणधर्मों का पालन करता है। एक, डेल्टा टी बराबर है शून्य यदि टी शून्य नहीं है। यह हम जानते हैं कि डेल्टा टी शून्य के अलावा सभी स्थानों पर शून्य रहेगा एवं शून्य पर डेल्टा टी परिभाषित नहीं है। यह जानना भी आवश्यक है शून्य पर डेल्टा टी परिभाषित नहीं है किंतु डेल्टा टी का दूसरा गुणधर्म अनंत से अनंत डेल्टा टी अर्थात डेल्टा टी द्वारा व्याप्त क्षेत्रफल एक है। डेल्टा टी द्वारा व्याप्त क्षेत्रफल एक है एवं डेल्टा टी शून्य के अलावा सभी स्थानों पर शून्य रहेगा। अब यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हुए y के बंटन फलन को इस प्रकार लिखें तब y का घनत्व फलन इस प्रकार लिख सकते हैं जोड़ अर्थात इस प्रकार हम एक यादृच्छिक चर का घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एक असंतत यादृच्छिक चर का घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं एवं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक संतत एवं एक असंतत यादृच्छिक चर का संयुक्त घनत्व फलन भी परिभाषित कर सकते हैं। हम एक संतत एवं एक असंतत यादृच्छिक चर का संयुक्त घनत्व फलन भी परिभाषित कर सकते हैं अर्थात हम किन्हीं भी यादृच्छिक चरों के सांख्यिकीय गुणधर्म पूर्ण रूप से ज्ञात कर सकते हैं वे संतत हों असंतत हों अथवा दोनों हों। अब हम दो यादृच्छिक चरों के फलनों की चर्चा करेंगे वह अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।